सी आई टी एनसीआरटी प्रेजेंट्स ट्रायलिंग डिक्शनरी ऑफ हिस्ट्री फॉर इतिहास विद्यालयों के लिए त्रिभाषी शब्दकोश तारीख की लुगत स्कूलों के लिए सहलसानी Letter J Index Word and Page Number जागीर जागीरदार पेज सिक्सटी सेवन Jainism पेज जजमानी सिस्टम पेज सिक्स मस्जिद पेज एट जमात खाना पेज सिक्सटी एट जन पेज सिक्सटी एट पेज 68 जाति पेज सिक्सटी नाइन जिहाद जिहाद पेज Sixty nine Jesuits, page sixty nine Jhum, page seventy Jense Kamil, page seventy Jazia, page seventy Jotadar, page seventy Judaism, page seventy one Julian calendar, page seventy one. Now let's move to the Dictionary of History. Page 67. Jagir, Jagirdars. The term refers to a piece of land given as revenue assignment to a high ranking Mansabdar in lieu of cash salary by the Mughal rulers. The holders of Jagirs were known as Jagirdars. Only the Jagirdar had the right to collect revenues through his officials. द जागीरदार डिड नॉट नेसेसरली स्टे इन देयर जागीर्स एंड दे कु और बी पोस्टेड एल्सवेर इन दायर जागी ट्रांसफरेबल ऑल्सो जागीर जागीरदार इस शब्द का तात्पर्य ऐसे जमीन के टुकड़े से है जो मुगल शासकों द्वारा उच्च श्रेणी मनसबदारों को राजस्व इकट्ठा करने के कार्य के लिए वेतन के रूप में दिया जाता था जागीर के धारकों को जागीरदार कहा जाता था उस समय जागीरदारों को ही अपने कर्मचारियों के माध्यम से राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त था जागीरदारों के लिए अपनी जागीर में रहना अनिवार्य नहीं था वे साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी नियुक्त किए जा सकते थे ये जागीरें हस्तांतरित भी की जा सकती जागीरदार इस अलाह से मुराद जमीन का वो हिस्सा है जो मुगल बादशाहों की जानब से आला मनसबदार को नकद तनख्वाह के औज मालगुजारी के तौर पर दिया जाता था जागीर के मालिकों को जागीरदार कहा जाता था सिर्फ जागीरदार को अपने कारकनान के जरिए मालगुजारी वसूल करने का हक हासिल था जागीरदारों के लिए जरूरी नहीं था कि वो अपनी जागीर में क्याम पजीर रहें बल्कि वो हुकूमत के किसी हिस्से में खिदमत कर सकते थे या उनका तकर भी किया जा सकता था जागीर काबिल तबादला भी थी जैनिज्म अ रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ एंटीक्विटी इट गेंड प्रामिनेंस इन द मिडिल गंगा बेसन फ्रॉम सिरका सिक्स सेंचुरी बी सीई महावीर Considered to be the last of twenty-four tirthankaras, belonged to this period and was responsible for its popular acceptance and geographical spread. The basic doctrines of Jainism include Ahinsa that is, non-violence; satya, that is, truthfulness; asteya, that is, non-stealing; aparagriha, that is, non-attachment; and brahmacharya, that is, chastity. The followers of Jainism are known as Jainas. The Jainas held that both animate as well as inanimate things are imbued with Jiva, that is, soul, and that the Jiva can get complete freedom from rebirth by following the three Ratna, viz. Samyak Jnana, that is, right knowledge, Samyak Darshan, that is, right faith, and Samyak Charitra, that is, right action or conduct as a creed jainism completely prohibited any form of violence so much so that its followers even discarded the practice of agriculture and confined themselves to trade and mercantile activities the jains adopted prakrit language of the common people to preach and hence their earlier literature was in prakrit लेटर लिटरेचर दैट इज सिरका सेवंथ टू एथ सेंचुरीज ऑनवर्ड वाज इन संस्कृत जैनिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया राजस्थान गुजरात एंड कर्नाटका बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेट जैन धर्म जैन धर्म एक प्राचीन धार्मिक परंपरा है जिसने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा क्षेत्र में प्रमुखता प्राप्त की थी महावीर जिन्हें 24 तीर्थंकरों में अंतिम माना जाता है इसी काल में हुए थे जैन धर्म के प्रचार प्रसार और इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में अहिंसा अर्थात हिंसा न करना सत्य अर्थात झूठ न बोलना अस्तेय अर्थात चोरी न करना अपरिग्रह अर्थात संपत्ति आदि का मोहना करना और ब्रह्मचर्य अर्थात पवित्रता शामिल है जैन धर्म के अनुयायियों को जैन कहा जाता है जैनियों के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में चाहे वो जड़ हो या चेतन जीव अर्थात आत्मा विद्यमान है और आत्मा को जन्म मरण के बंधन से पूर्ण मुक्ति त्रिरत्नों अर्थात सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का पालन करने से ही मिल सकती है एक मत के रूप में जैन धर्म ने किसी भी रूप में हिंसा का पूर्ण रूप से निषेध किया यहाँ तक कि उसके अनुयायियों ने कृषि कार्य को भी वर्जित माना और अपने आप को व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों तक ही सीमित रखा जैनियों ने उपदेश के लिए आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्राकृत भाषा को अपनाया था इसलिए उनका आरंभिक साहित्य प्राकृत भाषा में है किंतु उनका परवर्ती साहित्य ईसा की सातवीं आठवीं सदी से संस्कृत में उपलब्ध है जैन धर्म भारत के अनेक प्रांतों में फैला जिसमें राजस्थान गुजरात और कर्नाटक सबसे प्रमुख हैं। जैन मत इस कदीम मजहबी रिवायत को वादी गंगा के वस्ती इलाकों में छठी सदी कबल मसीह मकबूलियत हासिल हुई चौबीस तीर्थंकरों में सबसे आखिरी तीर्थंकर महावीर का ताल्लुक इसी दौर से था जिन्होंने जैन मजहब को मकबूल आम बनाने और जोग्राफियाई अशात की जिम्मेदारी निभाई जैन मजहब के बुनियादी उसूलों में अहिंसा यानी अदम तशद सत्य यानी सच्चाई चोरी से गुरेज अपरिग्रह यानी दुनिया से बेनियाजी और ब्रह्मचर्य यानी तजरित शामिल हैं जैन मत पर अमल करने वालों को जैनी कहा जाता है जैनियों के नजदीक तमाम जीरू और गैर जीरू में जीव यानी रूह होती है और जीव यानी रूह त्रि यानी सम्यक ज्ञान यानी सही इल्म सम्यक दर्शन यानी सही अकीदा सम्यक चरित्र यानी सही अमल पर अमल करने के जन्म मरण के चक्कर से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकती है अक़ीदे के एतबार से जैन मत में हर तरह का तशद्द मुकम्मल तौर पर ममनू है हती के इसके पैरुओं ने काश्तकारी छोड़ दी और खुद को तजारती और कारोबारी सरगर्मियों तक महदूद कर लिया जैनियों ने अपने पैगाम की तब्लीग के लिए प्राकृत जबानों यानी आम लोगों की जबान को अपनाया चुनाचे इनका इब्तदाई अदब प्राकृत में लिखा गया ताहम, बाद का जैनी अदब सातवीं से आठवीं सदी संस्कृत में लिखा गया जैन मत हिंदुस्तान के मुत्द हिस्सों में फैला इनमें राजस्थान गुजरात और कर्नाटक सरफ़ेरिस्त हैं Jajamani system. The term is derived from the Sanskrit term Yajamana, meaning a patron who employs priests for a ritual. It was a widely prevalent system of reciprocal social and economic relationship between families of different castes living in a rural community in India. Within this, one family exclusively performs certain services for the other such as performing rituals providing agricultural labor agricultural products iron tools etc in return for other services under jajmani system the family or families entitled to services from others are called jajman and the persons rendering those services are called kamin page 68 jajmani pranali जजमानी शब्द संस्कृत के यजमान शब्द से बना है जिसका अर्थ है एक संरक्षक जो किसी कर्मकांड हेतु पंडित की सेवाएं लेता हो यह व्यापक रूप से प्रचलित आर्थिक और सामाजिक संबंधों की एक ऐसी प्रणाली थी जिसके अंतर्गत भारत के ग्रामीण समुदाय के भीतर भिन्न भिन्न जातियों के परिवार एक दूसरे को कुछ निर्धारित किस्म की सेवाएं देते थे जैसे धार्मिक क्रियाएं संपन्न करना खेती के लिए श्रम उत्पादों लोहे के औजारों आदि की व्यवस्था करना और बदले में सेवाएं लेना जजमानी प्रणाली के अंतर्गत जो परिवार दूसरों से सेवाएं लेने के हकदार होते थे उन्हें जजमान कहा जाता था और जो लोग सेवाएं देते थे उन्हें कमीन कहा जाता था जजमानी निजाम लफ्ज़ जज्मानी संस्कृत लफ्ज़ यजमान से माखूज है जिसके मानी मज़हबी रसूम की अदायगी के लिए प्रोहितों यानी मज़हबी रहनुमाओं को तकरर करने वाला सरपरस्त है ये निज़ाम हिंदुस्तान के देी तबक़ों से मुतल जातों के माबिन समाजी लेन देन और माशी ताल्लुक़ की शक्ल में बहुत ज़्यादा राइज था इस निज़ाम के तहत एक ख़ानदान दूसरे के लिए मखसूस ख़िद मसलन मज़हबी रसूम की अदायगी काश्तकारी के लिए मज़दूरों की फ़राहमी ज़री पैदावार और धात के औज़ार वगैरह का इंतज़ाम दूसरी ख़दमत के औज़ करता था जजमानी निज़ाम के तहत जो ख़ानदान दूसरे से ख़िदमत कराने का हक़ रखता था उसे जजमान और जो इनकी ख़िदमत करते थे उन्हें कमीन कहा जाता था जमा जमा वॉज अ टर्म यूज्ड बाय द मुगल स्टेट फॉर द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू असिस्ट आल्सो हासिल जमा जमा शब्द मुगल शासन द्वारा निर्धारित भू राजस्व की अनुमानित रकम के लिए प्रयुक्त किया जाता था हासिल भी देखें जमा मुगल रियासत में इस इशलाह इस का इस्तेमाल मुक्रा माल गुजारी की तखमीना रकम के लिए किया जाता था मजीद देखें हासिल जामा मस्जिद द टर्म रेफर्स टू द मेन मॉस्क वेयर द मिड डे कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स ऑन फ्राइडेज आर हेल्ड द फर्स्ट जामा मस्जिद इन डेली आफ्टर इट्स कॉन्क्वेस्ट वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन एबक बिटवीन इलेवन नाइंटी टू टू नाइन्टी नाइन सी ई Which later came to be known as the Qutb-ul-Islam Mosque. During the Mughal period, Emperor Shah Jahan built the by now most famous Jama Masjid in Delhi in the 1640s. Jama Masjid, यह शब्द ऐसी मुख्य मस्जिद का सूचक है जहां शुक्रवार को दोपहर के समय सामूहिक नमाज पढ़ी जाती है। दिल्ली की फतेह के बाद यहाँ पहली जामा मस्जिद कुतुबुद्दीन एबक द्वारा ग्यारह बानवे से ग्यारह सौ निन्यानवे ईस्वी के बीच बनवाई गई थी जिसे बाद में कुतुल इस्लाम मस्जिद कहा जाने लगा था मुगल काल में बादशाह शाहजहां ने अब तक की सबसे मशहूर जामा मस्जिद को दिल्ली में १६४० के दशक में बनवाया था जामा मस्जिद इस इतलाह से मुराद खास मस्जिद है जहाँ दोपहर में नमाज जुमा के लिए लोग बाकसरत जमा होते हैं दहली की फतेह के बाद यहां पहली जामा मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्यारह सौ बयानवे से ग्यारह सौ निन्यानवे ईस्वी के दौरान तामीर कराई थी जो बाद में क़वतुल इस्लाम मस्जिद या कुबा इस्लाम के नाम से मारूफ हुई मुगल दौर में शाहजहां ने दिल्ली की मशहूर मौजूदा जामा मस्जिद की तामीर 1640 के दहे में कराई थी जमात खाना जमात खाना वॉज अ लार्ज हॉल इन अ चिश्ती खानका वेयर द इनमेट्स एंड विजिटर्स लिव्ड एंड प्रेड द जमात खाना ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया दैट इज डाइड थर्टीन ट्वेंटी फाइव ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन गुरट इज मॉडर्न निजामुद्दीन इन डेली वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ चिश्ती सूफी ट्रेडिशन जमात खाना जमात खाना चिश्ती खानका का एक बड़ा कमरा होता था जिसमे वहां के निवासी और बाहरी आगंतुक रहते थे और प्रार्थना करते थे दिल्ली के खियासपुर अर्थात आधुनिक निजामुद्दीन में यमुना नदी के तट पर बनाया गया शेख निजामुद्दीन औलिया अर्थात 1325 सौ ईस्वी में मृत्यु का जमात खाना चिश्ती सूफी परंपरा का एक प्रसिद्ध केंद्र था जमात खाना चिश्ती खानका में जमात खाना एक बड़ा कमरा यानी हॉल था जिसमें आर्जी तौर पर कयाम करने वाले और जराइन रहते और इबादत करते थे शेख निज़ामुद्दीन ओलिया मतूफी तेरह सौ पच्चीस का जमात खाना चिश्ती सूफी सिलसिले का मशहूर मरकज था जो दहली में यमुना नदी के किनारे गयासपुर, यानी मौजूदा निज़ामुद्दीन में वाक़ था एंड कम्युनिटी और पीपल जन ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग 27 बार किया गया है और यह आमतौर पर एक कबीले समुदाय अथवा लोगों का द्योतक है जन इस इस्तेला का तस्करा ऋग्वेद में 27 मर्तबा हुआ है जिससे मुराद तौर पर कबीले तबके या लोग हैं जनपदास the term was derived from the vedic term jana and used to denote a territory which could be named either on the basis of lineage as in the case of kuru, vajji, chedi, janapadas, or on the basis of its geographical location as in the case of kashi, kosala, or magadha. literally the term meant the place where the feet of the people have rested. द टर्म अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट जनपद ये शब्द वैदिक शब्द जन से निकला था और किसी ऐसे क्षेत्र का सूचक था जिसका नामकरण या तो किसी वंश परंपरा पर आधारित हो जैसे कुरु वज्जी चेदी जनपद अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र पर आधारित हो जैसे काशी कोसल या मगध जनपद का शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां लोगों के पैर पड़े हों इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग परवर्ती वैदिक ग्रंथों में हुआ है पेज जनपद ये लफ्ज वेद की हिस्तला जन से माखूज है और इसका इस्तेमाल ऐसे इलाके की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है जिसका नाम किसी नस्ल जैसे कुरु वज्जी छेदी जनपदों के नाम पर रखा गया हो या फिर जोग्राफियाई महले वक्ू की बुनियाद पर रखा गया हो जैसे काशी कौसल या मगध इस इस्तिला के लफ्जी मफहूम है जहां इंसान का कदम पड़ चुका है पहली बार इस इस्तिला का जिक्र माबाद वेदिक मतून में आया है जाति The term jati was originally used in the Sanskrit language to mean categories. From the first millennium onwards, the term was used to define social categories based on birth. The term jati was based on the pursuit of occupation and determined the social status. During the colonial period, the term jati became synonymous with castes. The ranking of Jatis was generally decided by ritual status and degree of purity or pollution. However, this ranking within a particular range was fluid rather than fixed. Rather than having pan Indian spread, the Jatis were more of regional or local groups. They strongly adhered to their defined rules regarding social activity, of eating together, and rules of marriage. जाति जाति शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में मूल रूप से श्रेणी के लिए किया जाता था ईसा की पहली सहस्राब्दी से इस शब्द का प्रयोग जन्म पर आधारित सामाजिक श्रेणियों के लिए किया जाने लगा जाति व्यक्ति के धंधे पर आधारित होती थी और उसके अनुसार समाज में उसकी प्रतिष्ठा निर्धारित होती थी औपनिवेशिक काल में जाति शब्द अंग्रेजों के कास्ट शब्द का पर्याय बन गया जाति की ऊंची या नीची स्थिति का निर्धारण सामान्यतः उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की कर्मकांडीय प्रतिष्ठा और पवित्रता या अपवित्रता पर निर्भर करता था किंतु उसकी ये स्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती थी बल्कि बदल सकती थी भारत भर में समान रूप से पाए जाने की जगह जातियां प्रादेशिक अथवा स्थानीय समूह के रूप में अधिक थीं। जातियां अपने निर्धारित नियमों का विशेष रूप से खान पान और विवाह संबंध आदि से संबंधित सामाजिक क्रियाकलापों का कठोरता से पालन करती थी जात जात इसला का इस्तेमाल असलन संस्कृत में तबका या बिरादरी के मफहम में किया जाता था पहले हजारे से इस असतला का इस्तेमाल पैदाइश की बुनियाद पर की जाने वाली समाजी दर्जाबंदी को भी बयान करने के लिए किया जाने लगा जदाद अस्तला की बुनियाद पेशे पर है और यह समाजी रुतबे को मुतयन करती है नौ नौआबादियाती दौर में यह इसलाह बिरादरी की मुतरदिफ बन गई जातों के जर्जे आमतौर पर रस्मी रुतबों और दर्जाए पाकि व नापाकी की बुनियाद पर मुतयन किए जाते थे ताहम दर्जाबंदी के खास दायरे में जामिद रहने के बजाय सयाल थी जातियां हिंदुस्तान गैर होने के बजाय ज्यादातर इलाकाई व मकामी गिरहों तक महदूद थीं। वो समाजी सरगर्मियों मसलन एक साथ खाने और शादी ब्याह से मुताल बयान करदा कवानीन व जवाबत पर शिद्दत से अमल करती थी जिहाद द जिहाद. And an effort in the way of God. It also connotes a holy war against infidels by the Muslims. There are multiple meanings of jihad. According to Islamic tradition, jihad can be classified as personal jihad, verbal jihad, and physical jihad. Personal jihad is considered the most important form of jihad, which refers to an individual's struggle to cleanse himself of sins. Verbal jihad advocates struggle for justice through verbal and non violent actions. Physical jihad advocates the use of force in defense of Muslims against oppression and invasion by the enemy forces. Jihad Jihad इस शब्द का तात्पर्य है प्रयत्न करना अर्थात अल्लाह तक पहुंचने के लिए प्रयास करना ये एक तरह के धर्म युद्ध का भी सूचक है जो मुसलमानों द्वारा काफिरों के विरुद्ध लड़ा जाता है जिहाद के कई अर्थ होते हैं इस्लामी परंपरा के अनुसार जिहाद तीन प्रकार का होता है जैसे व्यक्तिगत जिहाद मौखिक जिहाद और शारीरिक जिहाद व्यक्तिगत जिहाद को इसका सबसे महत्वपूर्ण रूप माना जाता है जिसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति द्वारा अपने आप को पाप मुक्त करने के लिए संघर्ष मौखिक जिहाद का अर्थ है मौखिक तथा अहिंसक कार्यों द्वारा न्याय के लिए संघर्ष करना शारीरिक जिहाद शत्रु सेना द्वारा किए गए आक्रमण या अत्याचार से मुसलमानों की रक्षा करने के लिए बल प्रयोग का समर्थन करता है जिहाद इस अतला का मतलब खुदा की राह में सख्त कोशिश और जद्दोजहद करना है इसका इतलाक मुनकिरों के खिलाफ मुसलमानों के जरिए लड़ी गई जंग पर भी होता है जिहाद के मुतद मायने हैं इस्लामिक रिवायत के मुताबिक जिहाद की तकसीम जिहाद बिल नफ्स जिहाद बिल कौल और जिहाद बिल जवारे के तौर पर की गई है जिहाद बिल नफ्स जिहाद की निहायत अहम शक्ल मानी जाती है जिसके जरिए इंसान इंफ्रादी तौर पर अपनी रूह को गुनाहों से पाक करता है जिहाद बिल कौल का मतलब अदलो इंसाफ के लिए अदम तशद के साथ ज़बानी तौर पर जद्दोजहद करना है जिहाद बिल जवारे का मतलब मुसलमानों की दफा में दुश्मन अफवाज के ल्म और हमलों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हमायत करना है जैसविट्स The Jesuits are a religious order of the priests within Roman Catholic Church. They are members of the Society of Jesus founded by St Ignatius Loyola in 1540 as a part of the Counter Reformation in Europe. Since then, the society is engaged in propagation of Christianity all over the world. besides the Jesuit missionaries have also contributed significantly towards the spread of modern western education in different parts of the world page 70 jesuit work ये रोमन कैथोलिक चर्च की धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत पादरियों का एक वर्ग होता है जेस्विट लोग सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य होते हैं इस सोसाइटी की स्थापना यूरोप में 1540 सो ईस्वी में सेंट इग्नेशियस लोएला द्वारा सुधार आंदोलन का विरोध करने के लिए की गई थी तब से ये विश्व भर में ईसाई धर्म के प्रचार कार्य में संलग्न है इसके अलावा जैसविट पादरियों ने विश्व के भिन्न भिन्न भिन भागों में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है ये रोमी कैथोलिक चर्च से वाबस्ता मजहबी रहनुमाओं की एक जमात थी यसुई सोसाइटी ऑफ जीसस, यानी यसुई समाज के रुकन होते थे इस सोसाइटी का कयाम यूरोप में 1540 में सेंट इग्नेटियस लोयोला के जरिए अनसदाद इसलाह के एक जुस के तौर पर अमल में आया था इसी वक्त से ये जमात पूरी दुनिया में ईसाइत की तबलीग व अशात में मसरूफ है इसके अलावा यसुई मुबलिगीन ने दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में जदीद मगरबी तालीम की अशात में भी नुमाया किरदार अदा किया है झूम द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेशन कॉमनली रिजोटेड टू इन दिली रीजन्पेश इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इस कॉल्ड झूम The method involves clearing of a patch of land of its natural vegetation by cutting and burning and tilling the soil with a hoe and then scattering of the seeds the ash produced from the slash and burn of the vegetation fertilizes the soil once cultivated the land is left fallow for several years to allow the soil to regain its natural fertility and regeneration of the vegetation as the jome cultivators move during this period to follow the same practice elsewhere झूम ये खेती करने की एक पद्धति है जो पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर भागों में अपनाई जाती है इस पद्धति के अंतर्गत जमीन के टुकड़े को उस पर उगी प्राकृतिक वनस्पति को काटकर और जलाकर साफ़ कर लिया जाता है और फिर उस जमीन को फावड़े से खोदकर उस पर बीज फैला दिए जाते हैं वनस्पति को काट कर जला देने से जो राख उत्पन्न होती है वो वहां की मिट्टी को उपजाऊ बना देती है किसी जमीन के टुकड़े पर जब एक बार खेती कर ली जाती है तो फिर उसे कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वहां की जमीन प्राकृतिक उर्वरता फिर से प्राप्त कर ले और वहां पेड़ पौधे फिर से उगाएं इस बीच झूम खेती करने वाले लोग किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया अपनाते हैं झूम यह काश्तकारी का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में बिल और शुमाल मगरबी हिस्सों में बिलखसूस किया जाता है इस तरीके कार के तहत झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन को साफ करने के बाद इसकी फितरी बालीदगी को बेलचा या खुरपा से खुरज इस पर बीज डाल दिया जाता था कटी और जली हुई पत्तियों और घास फूस की राख से ज़मीन जरखेज़ हो जाती थी एक बार खेती करने के बाद खेतों की फितरी जरखेज़ी की बाज़ियाबी और पैदावार की सलाहियत को दोबारा बहाल होने के लिए कई सालों तक गैर मजुआ छोड़ दिया जाता था और झूम काश्तकार इस दौरान इसी तर्ज पर खेती करने के लिए दूसरी जगह चले जाते थे जिन से कामिल जिन से कामिल और जिन से आला अ पर्शियन वर्ड्स फॉर कैश क्रॉप्स दीज टर्म्स ऑल्सो रेफर्ड टू गुड क्वालिटी क्रॉप्स दीज क्रॉप्स वर कल्टीवेटेड मेनली फॉर द मार्केट द मुगल स्टेट इनकरेज पेजेंस टू कल्टिवेट कैश क्रॉप्स एज दीज योर रेवेन्यू क्रॉप्स सच एज कॉटन एंड शुगर केन वर कंसिडर्ड जिन से कामिल पा एक्सिलेंस जिन से कामिल जिनसे कामिल या जिनसे आला फारसी भाषा के शब्द हैं जिनका प्रयोग नगद फसलों के लिए किया जाता था इन शब्दों का तात्पर्य अच्छी किस्म की फसलों से भी है ये फसलें मुख्य रूप से बाजार के लिए ही उगाई जाती थीं, चूंकि इन फसलों से अधिक राजस्व मिलता था मुगल शासन इन नकद फसलों को उगाने के लिए किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करता था कपास गन्ना जैसी फसलों को उत्तम किस्म की जिनसे कामिल माना जाता था जिनसे कामिल जिनसे कामिल या जिनसे आला फारसी अल्फाज हैं जिनका इतलाक नकद फसलों पर होता है इन असलाहत से मुराद उमदा किस्म की भी फसलें हैं इन फसलों की जरात खास तौर पर बाजार के लिए की जाती थी मुगल रियासत इन फसलों की खेती करने पर किसानों की हौसला अफजाई करते थे क्योंकि इनसे लगान ज्यादा हासिल होता था कपास और गन्ना जैसी की फसलों को आला दर्जे की जिनसे कामिल में शुमार किया जाता है जजिया It was a tax paid by the non Muslims who had been given the status of zimmi or protected people by the state. In the Sultanate period, perhaps it was collected along with the land tax, that is kharaj. But Feroz Shah Tughlaq collected jizya as a separate tax apart from land revenue. Jizya. ये एक किस्म का कर था जो गैर मुस्लिम लोगों से वसूल किया जाता था जिन्हें सरकार द्वारा जिम्मी यानी संरक्षित लोगों का दर्जा दिया गया था सल्तनत काल में ये शायद भू कर अर्थात खराज के साथ ही वसूल किया जाता था लेकिन फिरोज तुगलक ने इसे भू राजस्व के अतिरिक्त एक अलग कर के रूप में वसूल किया जिजिया ये एक किस्म का महसूल था जो उन गैर मुस्लिमों से लिया जाता था जिन्हें जिम्मी या महफूज अवाम का दर्जा दे दिया गया था दहली सल्तनत में शायद जिजिया यानी खराज के साथ वसूल किया जाता था लेकिन फिरोज शाह तुगलक माल गुजारी के अलावा अलग से जिजिया वसूल करता था जोतेदार टर्म रेफर टू द रिच पेजेंट इन बेंगोल हु कंबाइंड ट्रेडिंग एंड मनी लेंडिंग विद एग्रीकल्चर By the early 19th century, the Jotedars had emerged as major landowners in rural Bengal, whose power and influence sometimes even exceeded those of the Zamidars. These rich peasants were also locally known as Havaldars and Ghatidars. Page 71 जोतदार इस शब्द का प्रयोग बंगाल के उन धनी किसानों के लिए किया जाता था जो खेती के साथ साथ व्यापार और रुपया उधार देने का काम भी करते थे 19वीं सदी तक आते आते जोतदार ग्रामीण बंगाल में बड़े भूस्वामियों के रूप में उभर आए थे जो कभी कभी जमींदार से भी अधिक ताकतवर और प्रभावशाली हो गए थे वहाँ इन धनी किसानों को हवलदार और गांटीदार भी कहा जाता था जोतदार इस इस्तिला से मुराद बंगाल के वो किसान हैं जो जर्रात के साथ साथ तिजारत और सूदी कारोबार भी करते थे 19वीं सदी के अवाइल में बंगाल के देही इलाक़ों में जोतदार बड़े मालकाने ज़मीन के तौर पर उभर कर सामने आए जिनका असर वसूख बास औकात वहाँ के ज़मींदारों से भी ज्यादा होता था मुख्तलिफ इलाकों में मालदार किसान इलाकाई सतह पर हवलदार और गांटीदार के तौर पर भी जाने जाते थे जूडाइजम द टर्म रेफर्स टू द रिलीजन ऑफ द जूस और द Hebrew पीपल इट्स बेसिक डॉक्ट्रिन इज belief इन वन गॉड द मोस्ट important बुक इज द Torah. इट्स अदर सीक्रेट बुक्स आर ओल्ड टेस्टमेंट एंड the एपोक्रिफ दीज बुक्स स्पेशली द तोरा contain the history of the Jewish people and lay down the religious laws and ethics which they must follow. One of the important beliefs of the Jews is that the messiah will one day come on the earth, purify the hebrews and cleanse the world of sin and wickedness. Being a monotheistic religion, Judaism also paved the way for the subsequent development of Christianity and Islam. यहूदी धर्म यहूदियों या हिब्रू लोगों के धर्म को यहूदी धर्म कहा जाता है इसका मूल सिद्धांत यह है कि ईश्वर एक है इस धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तोराह है ओल्ड टेस्टमेंट और एपोक्रिफ इस धर्म की अन्य दो पवित्र पुस्तकें हैं इन पुस्तकों विशेष रूप से तोराह में यहूदी लोगों का इतिहास दिया गया है और उन धार्मिक कानूनों तथा रीति नीतियों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना यहूदियों के लिए आवश्यक है यहूदियों की एक सबसे महत्वपूर्ण धारणा ये है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मसीहा इस पृथ्वी पर प्रकट होगा यहूदियों को पवित्र कर देगा और इस दुनिया को पाप और दुष्टता से मुक्त कर देगा एकेश्वरवादी धर्म होने के कारण यहूदी धर्म ने आगे चलकर ईसाई धर्म और इस्लाम के विकास का मार्ग प्रशस्त किया यहूदियत इस अतला का ताल्लुक यहूदी या अबरानियों के मजहब से है इसका बुनियादी अकीदा तोहहीद है इस मजहब की सबसे मुकद्दस किताब तोरेत है इसकी दूसरी मुकद्दस किताबें अहदनामा अतीक और अपोक्रिफा हैं इनमें खास तौर पर तोरेत में यहूदियों की तारीख मजहबी कवानीन और अखलाकी तालीमांत हैं जिनकी पैरवी यहूदियों पर लाजमी है यहूदियों का सबसे अहम अकीदा यह है कि एक दिन ईसा मसीह रूह ज़मीन पर अबरानियों के तजकिया और दुनिया को बुराइयों से पाक करने के लिए आएंगे अकीदाए तोहैद पर मुबनी मजहब होने की हैसियत से यहूदियत ने बाद में आने वाले मजाहिब ईसाइत और इस्लाम की तरक्की के लिए राह हमवार की जूलियन कैलेंडर नेम्ड आफ्टर द रोमन एम्पर जूलियस सीजर द जूलियन कैलेंडर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन रोम इन फोर्टी सिक्स बी सी एज पर दिस कैलेंडर द इयर स्टार्टेड फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ मार्च एंड हैड थ्री सिक्सटी फाइव डेज ईच फोर्थ ईयर हैड अ लीप डे The year was divided into months. Each month had 30 or 31 days, except February, which had 28 days in normal years and 29 days in the leap years. This calendar remained in use till it was replaced by the Gregorian calendar in 1582 CE. Julian calendar. रोम के सम्राट जूलियस सीजर के नाम से प्रचलित जूलियन कैलेंडर रोम में छियालीस ईसा पूर्व में लागू किया गया था इस कैलेंडर के अनुसार वर्ष 25 मार्च को शुरू होता था और एक वर्ष में तीन दिन होते थे हर चौथे वर्ष में एक अधिदिवस होता था जिससे उस वर्ष में तीन दिन हो जाते थे वर्ष महीनों में बटा होता था हर महीने में तीस या इकतीस दिन होते थे सिवाय फरवरी मास के जो सामान्य वर्षों में 28 दिन का और अधिवर्ष में उनतीस दिन का होता था पंद्रह सौ बयासी ईस्वी में जूलियन के स्थान पर ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू होने तक यही कैलेंडर प्रयोग में रहा जूलियन कैलेंडर रोमी शहनशाह जूलियस सीजर के नाम से मुसिम जूलियन कैलेंडर 46 कब्लम मसीह मुतारफ हुआ था इस कैलेंडर के मुताबिक साल का आगाज 25 मार्च से होता था और साल में तीन दिन होते थे हर चार साल में तीन दिनों का साल बनाने के लिए एक दिन का इजाफा किया जाता था साल महीनों से मुनकस्म था हर महीना 30 या 31 दिनों का होता था सिर्फ फरवरी का महीना आम सालों में 28 का और साल कबीसा में उनतीस दिनों का होता था पंद्रह बयासी ईस्वी में ग्रेगरी कैलेंडर के आगाज के बाद इसका इस्तेमाल खत्म हो गया था लेटर जे ऑफ ट्राइलिंग डिक्शनरी ऑफ हिस्ट्री फॉर स्कूल एंड सियर रेड बाय सुचित्रा गुप्ता एंड मोहम्मद साद ट्राइलिंग डिक्शनरी you were just listening to this presentation project coordination rajesh nimesh subject coordination dr seema shukla ojha project advice dr bharti kaushik technical coordination buti langlingdo assistance in production jagbandhu jana framework advice ajit horo production coordination vandana arimardan produced and directed by vimlesh Chowdhury and this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi, India.